संभाव ज्यादा है। कुछ क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ आपको फिर से खेलेंगे, कुछ ध्यान रखना है कि मजदूरी मतलब रुपया जो मिलता है वो क्षमता के अकॉर्डिंग मिलता है। मतलब एक दिन में जितना काम किया करिएगा उसके आधार पे जो क्षमता का रेशियो होता है मजदूरी का भी रेशियो वही होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई आदमी 10 दिन काम किया और 5 बाल्टी ही बना पाया, और एक आदमी है एक ही दिन में 10 बाल्टी बना दिया, तो किसको आप मेहनत करना ज़्यादा रहेगा? मजदूरी तो एक दिन वाले को मिलेगा। तो क्षमता पे जो पैसा होता है उसका बंटवारा होता है, मजदूरी हमेशा क्षमता को मिलता है। अच्छा, इसके साथ हमने आपको बताया कि ए पी है, अगर इसका ये क्षमता ही जरूरत है, इसका क्षमता एक्स वाई है तो काम समय कितना लेगा? तो समय ले लेगा वाई एक्स, उल्टा होता है। ठीक है, चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मैं क्वाड्रेटिक लिखूंगा कि ए तथा बी की क्षमता, ए तथा बी की क्षमता दो अनुपात तीन है। ठीक है, कहता है ए अकेला काम को 36 दिनों में करता है, ए अकेला काम को कितने दिनों में? 36 दिन में करता है। ठीक है, अब से पूछ रहा है कि बी अब उस काम को कितने दिनों में करेगा, बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? अब बताइए, ए और बी आराम से लिख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं ए और बी, क्षमता कितना है? 2:3, तो टाइम कितना लेगा? क्षमता का उल्टा लेगा तो कितना लेगा? 3/2। ठीक है, और कहता है कि यही 3 तो कह रहा है कि 36 के बराबर है, ये क्या है? समय है, 3 यूनिट जो है ये कह रहा है कि ये 36 दिन ले रहा है, और हम कोई आदमी आपको कह रहा है ये 36 दिन, और वही आदमी कह रहा है कि ये 3 यूनिट काम ले रहा है, मतलब यही 3 इकाई जो है वो 36 के बराबर है, मतलब 3 किसके बराबर? 36 के बराबर, 3 36 के बराबर, तो ये कितने के बराबर? 12 के बराबर, ये कितने के बराबर? 12 के बराबर। अब बताइए कि बी काम कितना ले रहा है? 2 यूनिट ले रहा है, तो बी कितना समय लेगा? 2×12 लेगा, 24 दिन, बी कितना ले लेगा काम? 24। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं ऐसे लिखूं ए, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, ए तथा बी का क्षमता जो है 4:5 में, ठीक है, तथा बी उस काम को 25 दिनों में करता है, कितने दिनों में? 25 दिन में करता है, ए कितना टाइम लगेगा? ए कितना लगेगा? अब कुछ लिख लीजिए, ए भी दीजिए, ये क्षमता यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ क्या है टाइम हो जाएगा, क्षमता कितनी है? 4/5, तो टाइम कितना लेगा? 5/4 लेगा, तो लेकिन बी तो कह रहा है कि 25 दिन ले रहा है, बी तो 25 दिन ले रहा है, यहाँ बोल रहा है कि बी 5 यूनिट, मतलब यही 5 यूनिट 25 के बराबर है, 5/25, 1 कितना? 5, ठीक है, और ये कितना टाइम ले रहा है? 1 कर लीजिए, नहीं तो बता हुआ, ठीक है, ये उस काम को 25 दिनों में करता है, ठीक है, तो यहाँ आप सब पूछ रहा है बी कितना दिन, ठीक है, तो बताइए कि ए की क्षमता 4/5, तो टाइम कितना लेगा? 5/4, लेकिन ये कह रहा है कि 25 दिन ले रहा है, और वही कह रहा है दूसरा में कह रहा है कि वो 5 यूनिट है, 25 5 यूनिट के बराबर, 1/5, तो बी कितना टाइम ले रहा है? 4, तो बी द्वारा समय 5/25। आप वैसे भी कर सकते थे लेकिन बच्चा कहा जा, ठीक है, अभी समझा रहे हैं, उसको समझ कर, ठीक है, कह रहा हूँ कि ए तथा बी की क्षमता 3:2 है, तो 150 की मजदूरी में 1/3 का हिस्सा क्या हो जाएगा? 1/3 का हिस्सा क्या? देखिए, ए तथा बी की मजदूरी क्षमता कितनी है? 3:2। हमने क्या बताया आपको क्लास से पहले कि क्षमता का जो रेशियो होगा वही मजदूरी का रेशियो होगा, ठीक है,
तो क्षमता कितना 3/5, मतलब ये रुपया भी जो बटेगा वो किसमें बटेगा 3/2 में। तो कैसे निकालते हैं, एक का हिस्सा क्या हो जाएगा टोटल रुपया, उसमें ए 3 और टोटल 5, 3 और 5 कितना हो जाएगा 90 रुपया, और बी कितना हो जाएगा, बी को कितना इसको 90 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा 60, इसमें से घटा देंगे 150 रुपये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि ए तथा बी जो है इसकी क्षमता 4/5 है, ये क्षमता है। ठीक है, दोनों मिलकर काम को 20 दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर काम कितने दिनों में, मिलकर 20 दिन में काम कर देते हैं, 30 डेज में काम करते हैं। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि बी कितने दिन, बी कितने, अब बताइए ध्यान से कि हमने आपको बार बार पढ़ाया है कि वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी गुना टाइम होता है। ठीक है, जिसकी इफिशियंसी उसी का टाइम। ठीक है, यह नहीं कि एक एफिशियंसी लेकर बी में, बी के टाइम में मिला, या फिर एक एफिशियंसी और ए प्लस बी का टाइम ले, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए ए और बी क्षमता कितनी 4/5। ठीक है, अब देखिए कि दोनों का मिला हुआ क्षमता क्या है, ये क्षमता होता है, दोनों का मिला हुआ क्षमता कितना है, ए प्लस बी का क्षमता कितना है, 4/5 कितना 9, और देख दोनों का मिला हुआ काम की समय कितना है, तो टाइम कितना है 30 डेज। तो वर्क क्या हो जाएगा, क्षमता गुना समय, क्षमता गुना समय, तो क्षमता कितना है, दोनों का मिला हुआ क्षमता 9 और गुना 20, मतलब टोटल वर्क कितना है 180। वर्क कितना आ गया 180 आ गया। कह रहा है कि बी कितना लेगा, बी कितना समय, तो बी एक दिन में कितना काम कर सकता है 5, तो टोटल का काम बी द्वारा समय, वर्क 180 और इसकी क्षमता 5, मतलब 36। ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे कि हमें दोनों को मिला के हमने क्यों लिया, क्षमता मिला के क्यों लिया, क्योंकि अभी तो बताए कि मिला हुआ समय दिया हुआ है, तो मिला हुआ क्षमता ही होगा तभी अपवर्क निकाल पाएंगे, तो मिला हुआ समय 20, तो मिला हुआ क्षमता कितना,